Hey everyone, कैसे हैं सब लोग आई होप सब लोग बढ़िया हैं एंड आई गेस टाइम वी आर विद ईच अदर सो पी डब्ल्यू स्किल्स के चैनल पे आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल ऑफ यू सबका स्वागत है राइट आई एम संकेत सिंह लिटिल बिट अबाउट मी आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू एट गूगल प्राय टू गूगल मैंने लिंगडिन के साथ एज अ फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी काम किया है आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व विद गूगल समर ऑफ कोड

प्रॉब्लम्स ऑन लूप्स के ऊपर राइट right? हम लोग लूप्स के ऊपर काफी सारे प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं सो so, अभी तक आई गेस उर्वी मैम के आपने लेक्चर देखे होंगे जहां पे उन्होंने बेसिक सी के बारे में जरूर बात करी होगी डेटा टाइप्स वेरिएबल्स क्या होते हैं राइट कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं साथ ही साथ उन्होंने लूप्स के ऊपर भी काफी बात करी होगी राइट right? और लूप्स के साथ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आपने ऑलरेडी करी होगी राइट सो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं और कुछ नए तरह की प्रॉब्लम्स जो हम लोग लूप्स का यूज करके टैकल कर सकते हैं इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करेंगे थोड़ी सी मोर ट्रिकियर प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे राइट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होने वाली है इट्स ऑल अबाउट बिट ऑफ ट्रिक्स इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट फिगरिंग आउट द लॉजिक एक बार हम लोग लॉजिक फिगर आउट कर लेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम को कोड करना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है राइट सो so, हम लोग पांचे प्रॉब्लम देखेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे राइट डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स होगी कुछ पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स होगी कुछ नॉन पैटर्न वाली प्रॉब्लम्स होगी और हमारा मेन एजेंडा क्या रहने वाला है हमारा मेन एजेंडा रहने वाला है कि हम लोग लूप्स के अपने जो फाउंडेशन है उसको जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो कर लें बिकॉज मेरा ही मानना है कि वेन यू आर इन योर इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग जब आप शुरू में प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं सो यू नीड टू सॉल्व अ लॉर्ड ऑफ प्रॉब्लम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए क्योंकि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेन यू विल विलेट से बिकम सॉफ्टवेयर इंजीनियर लेटर तो आपका सबसे पहले मेन स्किल यही होता है कि अगर आपको एक लॉजिक पता है आप तो उस लॉजिक को कोड कर पाए एंड देन साथ ही साथ उस लॉजिक को सोचने की भी जो एबिलिटी है वो भी आपके पास होनी चाहिए सो so ये दोनों चीजें आप अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा से ज्यादा करते हैं किसी भी टॉपिक को लेकर तो आपकी बढ़ने लगेगी एंड वो कॉरिस्पॉन्डिंग टॉपिक के ऊपर भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा Right. So, राइट right. हम लोग बहुत सारी कोड लिखेंगे उसका कोड करेंगे. करेंगे, करेंगे और फिर उस कोड को ड्राई रन करेंगे ताकि हम देख पाए कि एक्चुअली वो कोड कैसे चल रहा है राइट सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उपोक्त तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सो so, सबसे पहले हम लोग फटाफट लूप्स के ऊपर एक क्विक रिवीजन कर लेंगे राइट right? रिवीजन करने से क्या रहेगा कि आगे अभी हम लोग जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारा बेस दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाएगा फाउंडेशन एक बार रिवाइज हो जाएंगे एंड वी विल बी एबल टू अप्लाई ऑल ऑफ आवर नॉलेज वेरी इजिली राइट सो अभी तक आपने ऑलरेडी लूप्स एक बार ही पढ़ा होगा राइट right? मैं उसे फटाफट से रिवाइज कराऊंगा आई टेल यू द केस एंड ऑल द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ लिया right? सो so, देखो यार प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हमारे पास बहुत टाइम पे बहुत बार ऐसा यूज केस होता है जब हमें किसी एक टास्क को बार 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 रिपीट करना पड़ता है जब भी हमें किसी एक यूज केस को या किसी टास्क को रिपीट करना है तो हमारे पास एक पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि जितनी बार भी उस यूज केस को या उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग रिपीट करने वाले उस इंस्ट्रक्शन को हम एक और बार लिखें फिर एक और बार लिखें फिर एक और बार लिखें राइट सो लेट से मुझे अपना नाम टेन टाइम्स प्रिंट करना है राइट सो so, मैं कोड uh, में जाके टेन डिफरेंट लाइन्स में सी आउट कर सकता हूँ दिस कैन बी वन अप्रोच बट इट्स टू नाइव राइट एंड हो सकता है ना कि कल को मुझे टेन की जगह ट्वेंटी टाइम्स करना हो तो क्या उसके लिए हम लोग एक नया कोड लिखेंगे सो so, ऐसी टाइप की सिचुएशन के लिए ही हमारे पास प्रोग्रामिंग में लूप्स होते हैं अब लूप से एक ऐसा कॉन्स्ट्रक्ट है एक ऐसा बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्स्ट्रक्ट है जो कि ना सिर्फ सी प्लस प्लस बाकी बाकी लैंग्वेजेस में भी एग्जिस्ट uh, करता है लाइक जावा पाइथन सी शार्प रूबी इन सारी लैंग्वेजेस में

कि कब हमें ये लूप स्टार्ट करना है जिससे इंस्ट्रक्शन बार 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 बार, बार एग्जीक्यूट हो हर बारी जब वो नेक्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हो रही है तो हम लोग कुछ वेरिएबल्स में चेंजेस कर सकते हैं सो so दैट हमें कुछ नया आउटपुट भी मिलता रहे साथ ही साथ हमारे पास ये भी कंट्रोल होगा कि व्हेन वी हैव टू स्टॉप इट सो इस पूरे कंबाइंड मैकेनिज्म को हम कहते हैं लूप्स अब सी प्लस प्लस में अगर हम लोग बेसिक लूप्स की बात करें तो so हमारे पास तीन तरह के बेसिक लूप्स एग्जिस्ट करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ लूप इज अ फॉर लूप द सेकेंड टाइप ऑफ लूप इज अ वाइल लूप एंड दर्ड टाइप लूप अभी इनिशियली बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जब तक हम लोग समझ रहे हैं इस सिचुएशन पे आपको इन तीनों लूप्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर आप कोई भी एक लूप अच्छे से समझ रहे लाइक फॉर समझ ले बाकी सारे लूप्स को समझना बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है राइट सो चलो ट्राई करते हैं समझने की कि फॉर लूप क्या है आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा होगा हम इसे फटाफट रिवाइज करेंगे सो so, देखो कोई भी लूपिंग हो चाहे आप फॉर लूप करो डू वाइल लूप करो वाइल लूप करो सारे के सारे लूप्स के पास कुछ सिमिलर तरह के कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं सो so, एक construct होता है टर्मिनेटिंग कंडीशन टर्मिनेटिंग कंडीशन हियर ये लूप टर्मिनेट कब होने वाला है ठीक है ओके अपार्ट फ्रॉम दिस टर्मिनेटिंग कंडीशन के अलावा हमारे पास इंक्रीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन राइट हमारे पास एक इंक्रीमेंटिंग इंस्ट्रक्शन होती है अब लूप के पास कुछ अपने सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो कुछ कंडीशन को मैप कर सकते हैं तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू को हर आइट्रेशन में हर नए लूप में चेंज करना जरूरी है वरना अगर हम वैल्यूज को चेंज नहीं करेंगे जिनपे एक्चुअली कंडीशन डिपेंड करती है तो हम लोग कभी टर्मिनेटिंग कंडीशन हिट ही नहीं करेंगे राइट right? हम लोग कभी उस सिचुएशन पर पहुंचेंगे ही नहीं जब लूप एंड होता है तो right. so, चलो देखते हैं सोलेट so, से हमें एक फॉर लूप लिखना है सो फॉर लूप हम कैसे लिख सकते हैं रिजर्व so, है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब uh, हमारी सी प्लस प्लस इसे अपने लिए अपने पर्पज के लिए यूज कर रही है हम इसे ऐसा ए जनरल पर्पज से वेरिएबल के नाम के लिए किसी और फंक्शन के नेम के लिए यूज नहीं कर सकते दिसर्ड सो ऑल यू जस्ट राइट अ फॉर की वर्ड फॉर की वर्ड लिखने के बाद यू पुट अ पेयर ऑफ पैर एंड यू कोड हर line of code, actually, हर बार जब लूप दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो ये सारी लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होंगी सो टेक्निकली दिस इज फॉर ब्लॉक जब भी हम एक पेयर ऑफ करली ब्रेसेस बना रहे हैं, तो हम एक ब्लॉक बना रहे हैं। तो जब भी फॉर लूप बार 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 एग्जीक्यूट होगा ये पूरा का पूरा ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल्स नाउ अब फॉर लूप के पास तीन सेक्शन होते हैं सो so, ये तीनों सेक्शन सेमी कॉलन से सेपरेटेड होते हैं जो भी ये मिडल वाला सेक्शन है इसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग कंडीशन राइट टर्मिनेटिंग कंडीशन की किस कंडीशन के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा लूप कौन सी कंडीशन तक इनिशियलाइजिंग वेरिएबल एंड दिस इज फॉर इंक्रीमेंटिंग यहां पे हम लोग वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर अब आपको लगता होगा कि यार वेरिएबल को रखना क्यों जरूरी है अब तुम कुछ सोचो

चेंज भी होते रहे विद एवरी लूप अदरवाइज अगर वैल्यू चेंज नहीं होगी तो टर्मिनेटिंग कंडीशन कभी हिट ही नहीं होगी सो फॉर दैट स्टोरिंग दो वैल्यूज वी इनिशियलाइज अ वेरिएबल एंड हेयर वी आर इंक्रीमेंटिंग द वेरिएबल अब जब मैं कहता हूं कि हम वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है हमेशा वेरिएबल को आई से आई प्लस वन पे लेके जा रहे हो आप i से आई प्लस फाइव लेके जा सकते हो आई प्लस टेन लेके जा सकते हो आप i को i, I से टू uh, का मल्टीप्लीकेशन दे सकते हो थ्री का मल्टीप्लीकेशन दे सकते हो इन एनी वे द वैल्यू ऑफ आई शुड चेंज

हम लोग चेक करेंगे क्या आई की वैल्यू लेस देन टेन है जी हाँ लेस देन टेन है तो हम हम लोग इस फॉरलुप में कुछ एंटर कर जाएंगे राइट अभी हम इंक्रीमेंट नहीं करेंगे ये इंक्रीमेंटिंग स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी जब ये पूरा का पूरा फॉरलुक का ब्लॉक कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा अभी तो हमारे पास एक ही लाइन है बट जब ये पूरा ब्लॉक इस करली ब्रेज से लेकर इस करली ब्रेज तक सब कुछ पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये आई प्लस प्लस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सो अभी आई की वैल्यू आपने चेक करा क्या इज लेस देन टेन यस

That's it. So, अब इस स्टेटमेंट पे दोबारा नहीं आना है हमें सो so, जैसे ही आई की वैल्यू जीरो से वन हुई से हुई। मैं चेक क्या वन लेस्यू इज राइट यहाँ पे हमें वैल्यू ऑफ आई इज वन ये लाइन हम प्रिंट कर देंगे और दोबारा से आई प्लस प्लस कर देंगे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी हम दोबारा से कंडीशन चेक करेंगे कि क्या टू लेस देन टेन है

सो so, हम दोबारा प्रिंट कर देंगे दैट वैल्यू ऑफ आई इज नाइन और अब यहां से नाइन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हो, हो जाएगी टेन हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया वैल्यू होगी टेन अब हम दोबारा इस टर्मिनेटिंग कंडीशन को चेक करेंगे इज लेस देन क्या 10, 10 से छोटा है नहीं टेन कैन बी एज टू बी लेस देन और इक्वल टू टेन बट टेन कैन नॉट बी टू बी सेन टेन सो दिस कंडीशन इज फॉल्स टेन इज नॉट लेस देन इट कैन बी लेस देन इक्वल टू टेन बट टेन इज नॉट लेस देन टेन

While के पैरेंथिस में अपनी ये टर्मिनेटिंग कंडीशन रख दी उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ लॉजिक लिख देंगे let's say see out. Value is I. Right. और यहाँ पे हम कर देंगे आई प्लस इक्वल्स टू टाइम राइट अब तुम देखो यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजर स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंटर स्टेटमेंट सो इंक्रीमेंटर स्टेटमेंट हमारे वाइल की बॉडी के अंदर होता है ये जो वाइल का ब्लॉक है मैंने क्या बताया आपको जब भी आप एक पेयर ऑफ ओपन कर ब्लॉक kind of like so, के ब्लॉक में डिपेंडिंग ऑन यूज केस आई की वैल्यू कहीं पे भी अपडेट हो सकती है सो मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर हमने फॉर लूप को लिया इस इंट आई टू जीरो को फॉर लूप के बाहर रख दिया कंडीशन को यहीं रखा और इंक्रीमेंटिंग स्टेटमेंट को ब्लॉक के अंदर ले गए यहाँ पे हमारी इनिशियलाइजर स्टेटमेंट टर्मिनेटिंग कंडीशन और फिर ब्लॉक के अंदर कहीं पे हमारी इंक्रीमेंटर स्टेटमेंट ये बनता है वाइल्ड लूप सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर्स, सो आई विल से आई इज इक्वल्स टू जीरो वाइल लेट से वाइल लेट से आई इज इक्वल्स टू इज लेस देन और इक्वल टू टेन विल डू सी आउट आई

और दोबारा जैसे ही आपने आई प्लस इक्वल टू वन किया वाइल का ब्लॉक खत्म हो गया तो जैसे ही वाइल का ब्लॉक खत्म हुआ ऐसा नहीं है नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा ये वापस आएगा वाइल पे चेक करने की क्या कंडीशन अभी भी ट्रू है तो जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी ये बार 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 वाइल लूप पर वापस आता रहेगा ये सबसे बेस्ट पार्ट है ये आगे नहीं बढ़ेगा सो so, अब आई की वैल्यू टू है क्या टू इज लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू टेन हम टू भी प्रिंट कर देंगे और आई की वैल्यू आई प्लस इक्वल टू वन कर देंगे राइट और दोबारा इस वाइल जाएंगे

तो हम इस लूप को अब एग्जिट कर जाएंगे और यहां पे अगर कुछ लाइन ऑफ कोड लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे दिस right? so, इज़ एक और तरह का लूप होता है डू वाइल लूप होता है, ये बहुत ही आसान है और बहुत ही सिमिलर होता है वाइल्ड लूप से राइट सो डू वाइल लूप क्या कहता है अगर आपके पास एक नॉर्मल वाइल्ड लूप है और मान लो आई की वैल्यू निश्लाइज होती है ट्वेल्व से तो नॉर्मल वाइल्ड लूप में क्या होगा आई की वैल्यू ट्वेल्व है इस नो no. तो ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा ये लूप एक भी बार नहीं चलेगा अगर आपके पास टर्मिनेटिंग कंडीशन अब कभी कभी आपके पास ऐसा कंडीशन हो सकता है कि यार पहली बार लूप चलाने के लिए मुझे कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है अगली बार से हमेशा कुछ कंडीशन चेक करनी है फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ आई वॉन्ट टू डू सम टास्क राइट अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन इन द वाइल्ड लूप वॉट विल हैपन इवन इन दर्स्ट आइट्रेशन ऑफ डूइंग दास्क पहली आइट्रेशन भी जब हम कर रहे हैं या पहली बार जब उस टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तब भी आप कंडीशन चेक करते हो अगर कंडीशन वायलेट कर गई तो आप पहली बार भी टास्क को कंप्लीट नहीं करने देते हो राइट सो ऐसी situation कहां आ सकती है लेट से आपने एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर लिखा जहां पे आप कुछ नंबर का कैलकुलेशन कर रहे हैं राइट right? और एक बार कैलकुलेशन होने के बाद नए नंबर्स का दोबारा से आई वुड से इनपुट भी ले रहे हैं अब यहां पर क्या होगा कि यार अगर आपने कोई ऐसी कंडीशन डाल दी जिससे कभी कोई इनपुट ही नहीं आया कोई आउटपुट ही नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी रादर देन हम क्या कर सकते हैं कि यार पहली बार तो बिना किसी कंडीशन के स्क्रिप्ट को चलने देते हैं कि वो यूजर से इनपुट लेगा फिर लेट से उसको ऐड कर देगा और फिर अगली आइट्रेशन से हम लोग कंडीशन चेक करना स्टार्ट करते हैं तो लेट से हमारा ये टास्क था टीम इसके साथ क्या हो रहा होगा ये टास्क डजेंट मैटर कि हमारे पास ये कंडीशन क्या है बाहर के लूप्स क्या है बाहर के सॉरी uh, वेरिएबल्स क्या है इस कंडीशन की वैल्यू लेट से फॉल्स भी है मैटर ये टास्क एटलीस्ट वंस कम से कम एक बारी तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा सो so, ये टास्क एक बारी डू में जाएगा और ये डेफिनेटली एग्जीक्यूट होगा ही होगा एक बारी वहां एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करने वाले तो so, देखो सिचुएशन यहाँ पे भी वाइल लुप जैसी है आपको अपनी कंडीशन को मैनिपुलेट करने वाला वेरिएबल पूरे इस डू वाइल लुप से बाहर रखना होगा और एक्चुअली अब डू वाइल लुप की बॉडी ये है तो अब डू एल लुक की बॉडी ये है तो यहां पे हमें आई प्लस प्लस करना पड़ेगा तो लेट्स से द टास्क इज टू जस्ट डू सी आउट हेलो राइट दिस इज द टास्क सो लेट्स राइट इट हेयर सी आउट हेलो राइट एंड लेट्स द कंडीशन इज आई शुड बी लेस देन थ्री आई शुड बी लेस देन थ्री आई थ्री से कम होना चाहिए चलो देखते हैं

दैट द मेजर डिफरेंस दैट इज द मेजर डिफरेंस दैट यूर गोइंग टू है वाइल्ड लूप में फॉर लूप में ना अब इन सबके बारे में आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी फर्दर अपकमिंग लेक्चर्स में या फर्दर अपकमिंग पार्ट्स में हम क्या कर रहे इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे हम थोड़े और पैटर्न प्रॉब्लम सोल्व करेंगे राइट थोड़ी और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, करेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअ हो देखो यार प्रोग्रामिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए कि यार हाँ ये प्रॉब्लम मैं कर सकता हूँ ये सोल्यून मैं निकाल सकता हूँ अगर आपके पास एक कॉन्फिडेंस है या आपके पास कंफर्मेशन है तो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट इज गोइंग टू एवर हैपन टू यू राइट सो हमेशा हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास कॉन्फिडेंस रहे कि यार जो भी आगे आने वाले क्वेश्चन है हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपके पास लूप्स की तो नॉलेज है ही सो so, वो पार्ट पे तो सब कुछ सॉर्टेड है ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग द सिंटैक्स करेक्टली और आप प्रॉब्लम का लॉजिक ढूंढ के ला पाए जो कि सी प्लस प्लस से एग्नोस्टिक रहने वाले राइट right. सो so, ये बहुत ही मेजर पार्ट है राइट फॉर लूप का वाइल का और लूप का सो आई वुड कि एक वु फटाफट सारे के सारे लूप्स को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि एक्चुअली सिंटैक्टिकली क्या चीजें हो रही राइट ओके right. okay. फटाफट बड़ से एक फॉर लूप का एग्जाम्पल लिख लेते हैं फॉर इंट आई टू जीरो से लेकर नाइन तक सारे नंबर मेरे पास प्रिंट हो गए अब मैं क्या करूंगा इसी फॉर लूप को कन्वर्ट करूंगा ये हमारे पास फॉर लूप है इसी को कन्वर्ट करेंगे तो देखो फॉर को मैं वाइल में कन्वर्ट कर देता हूं अब वाइल का बेस्ट पार्ट क्या है कि वाइल में ऐसे तीन एक्सप्रेशन नहीं होते कि आपको वेरिएबल इनिशलाइज भी वाइल के इन पैरेंथिस में करना है फिर कंडीशन चेक करनी फिर इंक्रीमेंटर आप क्या कर सकते हो कि इनिशिलाइज करने के लिए वेरिएबल को वाइल के आउटसाइड लेके जा सकते हो और कोई भी इंक्रीमेंटल लॉजिक के लिए आप वाइल की बॉडी या ब्लॉक यूज कर सकते हो वाइल के पैरेंथिस में हमेशा सिर्फ कंडीशन आएगी एंड दैट्स इट सो हमने इन टाइकोल जीरो को बाहर कर दिया आई प्लस प्लस को रिलेटिवलीट पे एक सेमी कॉलन लगा लेते हैं

उट आई एंड से वाइल्ड लुक को बस ये चेंज कर दिया कि वाइल्ड लुक का लॉजिक अब डू वाले क्लॉस के ब्लॉक में आ रहा है तो वाइल्ड की कंडीशन चेक हुए होने से पहले ही ये बात एग्जीक्यूट हो चुकी होगी राइट अब चलो देखते हैं एक्जीक्यूट करके देखते हैं तो देखो आउटपुट तो सेम आ रहा है तो तुम्हें लगेगा कि यूज केस क्या है तो यूज केस ही है मान लो कि आई की वैल्यू कुछ ऐसी है जो ऑलरेडी वायलेट ही कर रही है लेट्स ए ट्वेंटी या ट्वेंटी इज ऑलरेडी लेस देन टेन राइट बट मैं चाहता हूँ कि एक बार तो मेरा कोड एग्जीक्यूट हो ही मेरा ब्लॉक एग्जीक्यूट हो और उसका आउटपुट आ जाए सो so अब देखना यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट सिर्फ आ रहा है ट्वेंटी क्यों ट्वेंटी आ रहा है क्योंकि हमने ट्वेंटी प्रिंट किया आई की वैल्यू प्लस प्लस हो के ट्वेंटी वन हो गई और हमने चेक किया कि क्या ट्वेंटी वन लेस देन टेन है So, पहले हमने प्रिंटिंग कर दी और कंडीशन हम लोग बाद में चेक कर रहे हैं दिस इज द एसेंस ऑफ डू वाई लूप लिया राइट हमने तीन तरह के बेसिक लूप्स को देख लिया तो हमारा काम बन जाने वाला है हमारा काम बन जाने वाला है एंड लेट्स जस्ट कमेंट दिस वन आउट राइट सो तीनों लूप्स हम देख चुके हैं अब स्टार्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर हमने पहली प्रॉब्लम पिक करने वाले उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बहुत ही डीपली एनालाइज करेंगे सो स्टे स्टेट फॉर मी एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट तो यार हमारी पहली प्रॉब्लम है कि हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है राइट सो फर्स्ट क्वेश्चन इज टू प्रिंट दिस कॉरेस्पॉन्डिंग पैटर्न यू कैन से राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द अल्फाबेट डायमंड पैटर्न तो हम इस पैटर्न को कह रहे हैं अल्फाबेट डायमंड पैटर्न तो यहां पे आपको ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लग रहा होगा बट आई विल एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम टू यू तो मैं टेक्निकली पैटर्न की प्रॉब्लम सोल्व करनी है आपने ऑलरेडी बहुत सारी पैटर्न की प्रॉब्लम करें तो कर और उसके बाद इस प्रॉब्लम सोल्विंग सेशन पे आए क्योंकि इस प्रॉब्लम सोलविंग सेशन में पुरानी सारी की सारी नॉलेज यूज हो रही होगी ठीक है चलो सो वी प्रिंट दिस डायमंड एल्फाबेट पैटर्न तो देखते हैं पैटर्न कैसा दिखता है सो टेक्निकली स्पीकिंग यू हैव अ पैटर्न लाइक दिस, ऐसा कुछ पैटर्न है यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है तो आपको ऐसा ये पैटर्न प्रिंट करना है अब इस पैटर्न की खास बात क्या है देखते हैं तो ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो ये पैटर्न एक डायमंड फॉर्म ऑफ शेप ले रहा है एक डायमंड का शेप ले रहा है ये पैटर्न और इस डायमंड के अंदर सारे के सारे अल्फाबेट्स हमने लिखे हुए हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लाइन नंबर लिख दू दिस इज लाइन नंबर वन दिस इज लाइन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन ठीक है सो टेक्निकली स्पीकिंग एन इज इक टू फाइव के लिए आपको नाइन लाइन को प्रिंट करना है लाइन नंबर वन में आपके पास चार स्पेसेस होंगे और उसके बाद आप ए प्रिंट करोगे लाइन नंबर टू में आपके पास तीन स्पेसेस होंगे और फिर आप ए बी सी प्रिंट करोगे लाइन नंबर थ्री में आपके पास दो स्पेसेस होंगे और फिर आप पांच कैरेक्टर्स ए बी सी डी ई पांचों को प्रिंट करोगे लाइन नंबर फोर में आपके पास एक स्पेस होगा और आप सेवन कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हो यू कैन सी फ्रॉम ए टू जी लाइन नंबर फाइव में आपके पास कोई स्पेस नहीं है और उसके बाद आप यहां पे नाइन कैरेक्टर्स को प्रिंट कर रहे हो देन उसके बाद लाइन नंबर सिक्स में टेक्निकली ऊपर वाला पैटर्न काइंड ऑफ रिपीट होने लगेगा लाइन नंबर सिक्स में आप देख सकते हो कि दोबारा आपके पास एक एक स्पेस प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे सात कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं लाइन नंबर सेवन में दोबारा दो स्पेस प्रिंट हो रहे हैं और पांच कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं सेम फॉर लाइन लाइन नंबर नंबर तीन तीन स्पेसेस कैरेक्टर्स कैरेक्टर चार स्पेसेस एक कैरेक्टर राइट सो इस तरीके का कुछ पैटर्न है इस तरीके का कुछ डायमंड का लॉजिक है ठीक है साथ ही साथ डायमंड के अंदर सारे के सारे एल्फाबेट्स लिखे हैं तो अगर आप कोई भी लाइन केयरफुली एनालाइज करते हो

लॉजिक बहुत ही सिंपल होने वाला है टू बी वेरी ऑनेस्ट आपने ऐसे सिमिलर पैटर्न शायद पीछे पहले सॉल्व करे होंगे राइट right. मैं आपको बहुत ही सेग्रीगेटेड वे में ड्रिल डाउन करके प्रॉब्लम समझाने वाला हूँ right. राइट दो तीन कॉन्सेप्ट के दो तीन कॉन्सेप्ट है लगेंगे एंड डेफिनेटली लूप्स को समझने के लिए काफी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम भी है ये राइट सो यहाँ पे एक बार वीडियो को पॉज करो और सोचो कि क्या करा जा सकता है आई होप कि आप सबने एक वैलिड थॉट दिया होगा एंड नाउ यू आर रेडी फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोल्यूशन तो चलो देखते हैं कि क्या करा जा सकता है ठीक है सो टेक्निकली स्पीकिंग इस पैटर्न को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अगर आप इंटरनेट पे जाओगे इस पैटर्न का सोल्यूशन देखोगे तो हो सकता है आपको एक डिफरेंट सोल्यूशन मिले आप अपने फ्रेंड से डिस्कस करोगे तो एक इस पैटर्न का डिफरेंट सोल्यूशन मिले जनरली हर एल्गोरिथमिक प्रॉब्लम के लिए आपके पास एक से ज्यादा एफिशियंट सोल्यूशन हो सकते हैं राइट सो ऐसा नहीं डरना है कि आपका सोल्यूशन सही था या नहीं था या सिर्फ आपको मेरा ही सोल्यून कंसिडर करना है क्योंकि अगर आपके सोल्यून से भी एनएजिकल्स टू फाइव के लिए ऐसा आंसर आ रहा है और फिर सिमिलरली मैं एनजिकल टू थ्री के लिए भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा एनजिकल टू टू के लिए भी करके दिखाऊंगा अगर आपके पास सिमिलर आंसर गुड टू गो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपका लॉजिक और मेरा लॉजिक डिफरेंट है राइट दिस इज समथिंग दैट दैट इज वी हैव टू कंसिडर नाउ लेट्स सी फॉर एन एजिकल्स टू फाइव हमें ये डायमंड पैटर्न प्रिंट करना है इस डायमंड पैटर्न को प्रिंट करने के लिए वुड से हम एक दूसरे पैटर्न की तरफ चलते हैं इस पहले पैटर्न को सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला पैटर्न सॉल्व करना चाहूंगा अब तुम्हें लगेगा कि यार ठीक है लुक सिमिलर सिमिलर लग रहा है सिमिलर डायमंड पैटर्न लग रहा है बट हम लोग दूसरे पैटर्न को क्यों सॉल्व करना चाहते हैं हम क्यों चाह रहे हैं कि एक दूसरा पैटर्न हम लोग सॉल्व करें आप जीरो से वन जाना चाहते हैं तो आप प्लस वन कर लेंगे

और टेक्निकली हमारे ओरिजिनल पैटर्न में हम पहले ए पे जा रहे हैं फिर हम बी पे जाते हैं फिर सी पे जाते हैं फिर डी पे जाते हैं एंड सो फोर्थ राइट सो दोनों पैटर्न कैसे रिलेटेड है सी अब हमें ये बात पता होनी चाहिए प्लस प्लस में जब भी हम लोग कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं तो वो कैरेक्टर्स एसकाई फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं राइट फॉर एग्जाम्पल लेट से यू से राइट right. char ch एच टू ए नाउ इन द मेमोरी, व्हाट विल होगा, जिसका नाम होगा ch. अब ch एक कैरेक्टर है, तो आपको हो सकता है ऐसा लगे कि इस वेरिएबल के अंदर हमने सीधा कैरेक्टर ए स्टोर कर रखा है बट ऐसा नहीं है C प्लस प्लस में ऐसा नहीं होता एक्चुअली हम a स्टोर नहीं करते हैं. हम लोग एस्काई ऑफ a स्टोर करते हैं एस्काई ऑफ नरल एस्काई ऑफ द कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है उसका हम लोग एस्काई स्टोर करने की कोशिश करते हैं राइट right? अब एस्काई वैल्यू क्या होती है सो so, मैं आपको एक टेबल uh, दिखाना चाहूंगा फटाफट -फड़, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए और थोड़ा रि रिवाइज uh, हो जाए कि एस्काई टेबल कैसे दिखती है राइट सो दिस इज लाइक एन एस्काई टेबल राइट इसको थोड़ा जूम इन करें अगर तो आप देख सकते हो कि बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं राइट right, बहुत सारे कैरेक्टर्स के लिए उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक डेसिमल वैल्यू या एक इंटीजर वैल्यू एलोकेट करके फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए के लिए वैल्यू है सिक्सटी फाइव कैपिटल बी के लिए वैल्यू है सिक्सटी सिक्स स्मॉल ए के लिए वैल्यू है 97 सेवन स्मॉल बी के लिए वैल्यू है 98 एट हैश टैग के लिए वैल्यू है थर्टी फाइव ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स के कॉरसपॉन्डिंग हमने एक इंटीजर वैल्यू एलोकेट कर रखी है सो so, एसका ही आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक तरह का स्टैंडर्ड है जिसमें हमने एक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को डिफाइन किया हुआ है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग कन्वर्जनस लिखी है कि वो डेसिमल में ऑक्टल में हेक्सा डेसिमल में कैसे दिख रहे होंगे राइट सो अभी के लिए हमें ये मानने अभी के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि जब भी हम लोग कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं किसी भी वेरिएबल में तो वो एक्चुअली एक कैरेक्टर स्टोर नहीं होता है उसकी एसका ही वैल्यू स्टोर होती है हमारे सी प्लस प्लस में राइट ओके इन दैट केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि एसकाई स्मॉल ए इज एंड एसकाई स्मॉल बी इज इज ऑफ ऑफ स्मॉल स्मॉल सी डी इज हंड्रेड तो एसकाई अगले कैरेक्टर का प्लस वन होता है राइट right? अगर आपके पास बी का एस्काई आपको पता है नाइन्टी एट है तो सी का एसकाई निकालना बहुत आसान है आप नाइनटी एट प्लस वन कर दोगे आपके पास सी का एसकाई आ जाएगा राइट right? 99 आपको पता है सी का एसकाई उसमें प्लस वन कर दोगे तो आपके पास डी का, S का आ जाएगा। so, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे हो और आपको इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं सो सी प्लस प्लस में हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है टाइप कास्टिंग का टाइप कास्टिंग मतलब एक टाइप को हम लोग दूसरे पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल

इस इंटीजर को कैरेक्टर टाइप कन्वर्ट करने की कोशिश करिए राइट सो नाइनटी से आपका रिस्पॉन्समलीस्ट करा या इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करा तो इस कैरेक्टर का, का ही आपको मिल जाएगा 97, सेवन राइट सो so, ये टाइप कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल होने वाली है हमारे लेट मी इवन शो यू क्विक डेमो जहां पे हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि, कि, कि ये टाइप कन्वर्जन हो कैसे रही है राइट सो वी विल सी सम एग्जांपल्स थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं सो लेट्स से आई विल क्रिएट अ फाइल टाइप कन्वर्जन डेमो डॉट जे ठीक है बेसिक बॉलर प्लेट ले आते हैं हैश इंक्लूड आई सॉरी इट शुड नॉट बी अ जे फाइल इट शुड बी अ सी फाइल माई बैड

let's see what happens let's see what happens so i'll try to run the code and you can see we are able to print b so we were able to convert 98 to the corresponding character and similar thing we can do the other way like what we can do we can have a character ch is equals to let's say a and we have an int x is equals to integer conversion of ch and

राइट right. और मैं यहाँ पे क्या प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ मैं प्रिंट करता हूँ सी एच प्लस वन अब सोचने की बात है कि यार यहाँ पे कैरेक्टर तो ए है और हम एक एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं प्लस वन करना चाहते हैं तो क्या होगा लेट सी आई क्लियर दंसोल एन एफ आई रन इट तो हमारे पास नाइनटी एट प्रिंट हो गया और ए का खुद का एस का ही क्या होता है नाइनटी सेवन तो टेक्निकली यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे हमने कैरेक्टर को जब एड करना था तो हमने ऑटोमेटिकली उस कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया दिस इज इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन टाइप कन्वर्जन मीन्स हमने मैनुअली सी प्लस प्लस को ये नहीं कहा कि आप कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करो और फिर ऐड करो सी प्लस प्लस ने खुद ही फिगर आउट कर लिया कि यार यहाँ पे हम लोग एक इंटीजर एडिशन करने वाले हैं तो कैरेक्टर के साथ तो नहीं कर सकते तो इसलिए कैरेक्टर को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एसकाई में कन्वर्ट किया जा सकता है तो हमने एसकाई में कन्वर्ट किया और फिर उस एसकाई इंटीजर में प्लस वन किया और प्रिंट कर दिया नाइनटी एट अब तुम्हें लगेगा कि ठीक है ये बात तो सही सही लग रही है और इंटर कन्वर्जन भी हमारे पास हो पा रहा है अब इसका फायदा क्या है फायदा है ये अब सी एच प्लस वन मैं यहाँ पे लिखूँ अगर इंट एक्स इज इक्वल्स टू सी एच प्लस वन और यहाँ पे प्रिंट कर दूँ कैरेक्टर ऑफ एक्स मतलब मेरे पास ए था मैंने ए में प्लस वन किया तो मेरे पास नाइन्टी एट आ गया और मैंने नाइन्टी एट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया सो टेक्निकली यू कैन सी मेरे पास बी आ गया अब इस लॉजिक को हम लोग अपने पैटर्न में यूज कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न में हमें पता है कि हम लोग जीरो से वन कैसे जाएंगे वन से टू कैसे जाएंगे प्लस वन करके सो so, टेक्निकली अगर मैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को एक्चुअली हर नंबर को ए से ऐड कर दूं या मैं कहूं ए के एस का इसे कैपिटल ए के एस का इसे ऐड कर दूं कैपिटल ए का एसकाई है सिक्सटी फाइव राइट सो जीरो में हम लोग सिक्सटी फाइव ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा सिक्सटी फाइव और इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा ए सिमिलरली यहां पे ए सिक्सटी फाइव प्लस वन बी सिक्सटी फाइव प्लस टू सी यहां पे अगेन सिक्सटी फाइव इज ए सिक्सटी फाइव प्लस जीरो ए सिक्सटी फाइव प्लस बी सी डी ई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो हमें क्या करना है हमें ए से स्टार्ट करना है किसी भी रो को ए से स्टार्ट करना है और फिर उसका नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे हम लोग ए में ए प्लस वन कर देंगे और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे कि हमने यहाँ करा है

किस लाइन में कितने कैरेक्टर प्रिंट करना है तो वो करना तो आसान है क्योंकि आप लोग मुझे ये बताओ अगर मैं आपको ये कहूं कि एक पर्टिकुलर लाइन में एक पर्टिकुलर लाइन में मैं नाइन कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैं नाइन कैरेक्टर्स एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूं तो ये चीज हम लोग कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको लूप लगा के कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं फॉर क्या प्रिंट कर दूंगा कैरेक्टर कन्वर्जन ऑफ ए प्लस आई राइट ये लिखेंगे तो हमारा काम बन जाएगा ये ध्यान से देखो आप यहां पर हमने जे का लूप जीरो से स्टार्ट किया सो so करेंटली जे की वैल्यू क्या है जीरो है हम लोग कहाँ तक जाएंगे लेस देन नाइन तक जाएंगे क्योंकि हमें नौ कैरेक्टर्स प्रिंट कर रहे हैं तो so जीरो से आठ नाइन कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाएंगे उसके बाद हमने क्या प्रिंट किया ए प्लस आई और टेक्निकली दिस शुड बी जे ए प्लस जे ए प्लस जे सो जे की वैल्यू है जीरो ए प्लस जीरो और उसको हम लोग कैरेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ए ही हो जाएगी तो हम लोग ए प्रिंट कर देंगे और देखो मैं यहाँ पे किसी नई लाइन में नहीं जा रहा हूँ या कोई और डिलीमिटर कैरेक्टर नहीं दे रहा हूँ सो so, दोबारा लूप आगे बढ़ेगा जे प्लस प्लस हो जाएगा जे बिकम्स वन नाउ अब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे ए प्लस और फिर उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे सो ए प्लस वन विल बी वॉट सिक्सटी सिक्स एंड दस का वैल्यू सिक्स कन्वर्ट्स कैपिटल बी तो हम बी प्रिंट कर देंगे और फिर लूप में दोबारा जाएंगे जे की वैल्यू टू हो जाएगी जब जे की वैल्यू टू हो जाएगी

So, एक नई फाइल बनाते हैं। बनातेश इनक्लूड आई स्ट्रीम एंड main रिटर्न जीरो ठीक है चलो लेट्स से int number of characters is equals to nine हमें nine characters print करने हैं, so यहाँ देखो हमने क्या करा हमें एक loop लगाएंगे zero से number of characters का, so for int j equals to zero j less than number of characters j plus plus और हम लोग क्या see out करेंगे क्या print करेंगे character converted a plus जे ये हम लोग प्रिंट कर देंगे राइट सो जे की वैल्यू इनिशियली जीरो होगी तो ए प्लस जीरो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा फिर जे की वैल्यू ए प्लस वन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा सो so, इसको हम लोग थोड़ा सा और सेग्रीगेटेड फॉर्म में लिख सकते हैं वी कैन से कैर सी एच इज इक्वल्स टू कैरेक्टर कन्वर्टेड सॉरी कैपिटल ए प्लस एंड वी कैन प्रिंट सी डायरेक्टली राइट इसको हम लोग अभी डीबग करके भी देखेंगे ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रन इट सो देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्रिंट हो रहा है और अगर इसको अब हम डीबक करें लेट्स ट्राई टू डीबक ठीक है सो फाइव को डीबक करने का ट्राई करते हैं सो so, यहां पर हमारे पास कंसोल आ रहा है लेट्स गो टू द न्यू लाइन नंबर ऑफ करेक्टर्स मैंने सेट कर दिए हैं कि नंबर ऑफ करेक्टर्स क्या होंगे नाइन होंगे मैंने एक वेरिएबल किया जे और जे की वैल्यू क्या है इनिशियली है 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 उसके बाद हम लोग लूप में आए हमने हमने कंडीशन चेक करी क्या लेस लेस देन देन जी फिर कहा ए प्लस जे एंड कन्वर्ट दैट टू दॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टर सो ए का एस काटर इज सी ए और इसका यहां पे आपको एस का भी दिख रहा है सिक्सटी फाइव राइट और हम ए को प्रिंट कर देंगे ओके कूल नाउ अभी के लिए हमने ए को प्रिंट कर दिया है हम आगे चलेंगे अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस वन जे वन हो गया ठीक है प्रीवियसली कैरेक्टर में क्या पढ़ा था वेरिएबल uh, ए पढ़ा था क्योंकि अब दोबारा से लूप में आया नया कैरेक्टर बनेगा राइट सो ए प्लस वन सिक्सटी फाइव प्लस वन इज वॉट सिक्सटी सिक्स सिक्सटी so, सिक्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया हमने हमें क्या मिल गया बी मिल गया और देखो इसका का ही दिख रहा है सिक्सटी सिक्स हम लोग बी प्रिंट कर देंगे सिमिलरली ए प्लस टू क्या हो जाएगा सी हम लोग सी प्रिंट कर देंगे देन ए प्लस थ्री क्या हो जाएगा डी तो सिक्सटी फाइव प्लस थ्री सिक्सटी एट दैट इज डी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ इसी तरीके से चलते रहेंगे जी तक आ गए हम लोग एच फाइनली हम लोग लास्ट एट ऐड करेंगे तो आई मिल जाएगा एंड वी हैव कंप्लीटेड द एग्जीक्यूशन ठीक लग रहा है सो so, अगर आप यहां पे देखें आउटपुट तो हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मिल जाएगा ठीक लग रहा है सो आई होप कि ये ड्राई रन हेल्पफुल था राइट right? अब इस ड्राई रन के बाद हम लोग एक बार पेन पेपर पे भी जब पूरा पैटर्न लिख लेंगे तो उसका भी ड्राई रन कर रहे होंगे डोंट वरी अब एक बार ही हमें ये पता लग गया है कि किसी भी पर्टिकुलर रो में हमें यह पता है कि कितने कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं तो मैं ये वाला लूप यूज कर सकता हूं राइट right? सो so, मैं कॉमेंट डाल देता हूं द लूप बिलो हेल्प्स अस टू प्रिंट द गिवेन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन वन लाइन एक लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं वो हम अगर फिगर आउट कर ले तो नीचे वाला लूप बहुत आसानी से चल जाएगा अब चलो सोचते हैं कि एक लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर हमें एक्चुअली प्रिंट करने हैं राइट right? अब अगर तुम ध्यान से देखो तो इस पूरे पैटर्न को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं so, मैं यहां से इसको कट कर लेता हूं इस पूरे पैटर्न को हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे फर्स्ट पार्ट इज दिस फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी दिस पर्टिकुलर पार्ट ये अपर ट्राइंगल ये अपर ट्राइंगल हमारा फर्स्ट पार्ट है अपर ट्राइंगल और सिमिलर टू दिस वी हैव अ काइंड ऑफ लाइक अ लोअर ट्राइंगल तो ये हमारा लोअर ट्राइंगल है सो अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल के लिए हम लोग डिफरेंट लूप्स लिखेंगे उसको दोनों को डिफरेंटली हैंडल करेंगे ठीक है सो अभी बस अपर ट्राइंगल पे फोकस करते हैं अगर आप लोग अपर ट्राइंगल देखो सो लाइन नंबर लाइन नंबर वन में आपके पास एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है लाइन नंबर टू में आपके पास तीन कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं सो लाइन नंबर टू में आपके पास तीन कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहां पे तीन हो गए लाइन नंबर थ्री में आपके पास पांच कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं सो लाइन नंबर थ्री में हमारे पास पांच कैरेक्टर्स आ गए लाइन नंबर फोर में हमारे पास सेवन कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं सो लाइन नंबर में सेवन एंड सिमिलरली लाइन लाइन नंबर नंबर में 9. 5 में कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं अब पैटर्न की प्रॉब्लम है ना मैं हमेशा प्रॉब्लम को इसी तरीके से अप्रोच करता हूं कि क्या मैं हर लाइन के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ इससे प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाती है अगर तुम ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर इनपुट आउटपुट पैटर्न को किसी जनरल वैल्यू आई आई एथ लाइन में आई एथ लाइन में आपके पास कितने कैरेक्टर्स होंगे कैसे फिगर आउट करोगे वन के लिए आंसर वन है टू के लिए थ्री है थ्री के लिए फाइव है सो टेक्निकली कैन आई से द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द आई एथ लाइन इज टू इंटू आई टू इन टू आई प्लस वन कैन से दू इन

लाइन नंबर अगर हमें पता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू लाइन नंबर और टोटल लाइन कितनी प्रिंट करनी है टोटल लाइन मुझे प्रिंट करनी है आई फॉर द अपर ट्राइंगल अभी लोअर ट्राइंगल की बात हमने नहीं करी है सिर्फ अपर ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो अपर ट्राइंगल में हमें आई लाइन्स एन लाइन प्रिंट करनी है सो वन टू थ्री फोर फाइव फाइव लाइन प्रिंट करनी है अपर ट्राइंगल के लिए और अगर किसी भी लाइन पे है फॉर एग्जाम्पल थर्ड लाइन पे है तो हम टू इंटू थ्री माइनस वन टोटल कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं तो अब इसको हम लोग पैटर्न की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अब अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें एक लूप चाहिए जो लाइंस पे आइटरेट कर रहा हो क्योंकि हम पहले लाइन नंबर वन पे होंगे कुछ काम करेंगे फिर हम लाइन नंबर टू पे होंगे दोबारा कुछ काम करेंगे लाइन नंबर थ्री पे होंगे दोबारा कुछ काम करेंगे तो हम लोग रेपिटेशन कर रहे हैं रिपीटेड टास्क कर रहे हैं अगर रिपीटेड टास्क कर रहे हैं इसका मतलब हमें लूप्स की जरूरत है सो so, हम क्या करेंगे हम एक लूप लिखेंगे फॉर लाइन इज इक्वल्स टू वन लाइन लेस देन और इक्वल टू एन लाइन प्लस प्लस राइट इससे क्या होगा दिस लूप इज फॉर सम टास्क

सो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मुझे पता है टू इंटू लाइन माइनस वन अगर मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता है तो उस पर्टिकुलर लाइन के लिए हमारे पास कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है फॉर जे इक्वल्स टू जीरो जे लेस देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जे प्लस प्लस एन वी सी आउट एन वी सी आउट कैरेक्टर कन्वर्टेड ए प्लस जे राइट ये बात हमारे पास ऑलरेडी है तो अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें लूप में इसी लूप को फॉर्मुलेट करें तो हम लोग बाहर एक लूप लिखते हैं लेट्स से इंट एन इज इक्वल्स टू फाइव वी विल से एन इज वॉट नंबर ऑफ और लेट्स इनपुट गिवन इनपुट अब हम लोग एक लूप लिख रहे हैं लूप लिखेंगे यहाँ पे लूप टू प्रिंट अपर ट्राइंगल अभी पहले बस अपर ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं अपर ट्राइंगल के लिए लूप क्या होगा इंट लाइन इज इक्वल टू वन लाइन लेस टू एन लाइन प्लस देखो आपकी लाइंस इसको मैं बंद कर देता हूं आपकी लाइंस वन से स्टार्ट हो रही है अपर ट्राइंगल में वन और कहां तक जा रही है एन तक जा रही है वन टू थ्री फोर सो वन एन सो अपने अपटे सो मैंने ये लूप लगाया दिस लूप ड सम वर्क और इच लाइन अब हर लाइन के लिए कुछ काम करेंगे हम लोग क्या काम करेंगे वो हमने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है तो मैं इसको कट करके नीचे वाले लोग को कट करके यहां पेस्ट कर देता हूं या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अब नाइन नहीं है अब हमारे पास हार्ड कोडेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स नहीं है हमारे पास लॉजिक है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का लॉजिक क्या है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कि किसी भी पर्टिकुलर लाइन में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है टू इंटू लाइन माइनस वन टू इंटू नाइन माइनस वन ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है और नीचे वाला लूप इनको प्रिंट कर देगा अभी टेक्निकली अपर ट्राइंगल पूरा हुआ नहीं है बट लेट सी की आउटपुट आता क्या है पैटर्न की प्रॉब्लम में हमेशा ये ट्राई करो कि थोड़ थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करो और देखो क्या आउटपुट आ रहा है फिर जो भी चीज है बची हुई है उसके बेसिस पे कुछ कोड लिखने की कोशिश करते हैं सो so, इसको रन करते हैं यू कैन सी सब कुछ एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है सब कुछ एक ही लाइन में क्यों प्रिंट हो रहा है क्योंकि ये अंदर वाला लूप ये अंदर वाला लूप एक लाइन प्रिंट करता है उसके बाद टेक्निकली मुझे एक न्यू लाइन करेक्टर डालना चाहिए क्योंकि एक लाइन पूरी हो जाती है तो पहली लाइन का आउटपुट आ जाएगा फिर उसी के आगे, आगे तीसरी लाइन का आउटपुट आ जाएगा तो जब भी मैंने एक लाइन के लिए काम खत्म कर लिया है उसके बाद मैं एक न्यू लाइन करेक्टर प्रिंट कर दूंगा so, it, अब तुम देख सकते हो कि यहां पे सारी लाइन प्रिंट हो रही है बट अभी भी कुछ ऑर्ड है क्या ऑर्ड है हमने स्पेस का लॉजिक फिगर आउट नहीं किया है अगर तुम ध्यान से देखो पैटर्न में तो भाई कैरेक्टर प्रिंट होने से पहले किसी भी लाइन के कैरेक्टर्स प्रिंट होने से पहले उसके कुछ स्पेसेस भी प्रिंट होने थे राइट दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट अब स्पेसेस को कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग स्पेसेस को कैसे प्रिंट करेंगे स्पेसेस के लिए भी हम लोग कुछ लॉजिक लिखने की कोशिश करेंगे अगर तुम ध्यान से देखो तो लाइन नंबर वन में टोटल स्पेसेस कितने हैं चार स्पेसेस हैं लाइन नंबर टू में तीन स्पेसेस हैं लाइन नंबर थ्री में दो स्पेसेस हैं लाइन नंबर फोर में एक स्पेस है लाइन नंबर फाइव में जीरो स्पेसेस हैं इंटरेस्टिंग राइट सो क्या मैं कह सकता हूं कि किसी भी आइएत लाइन के लिए किसी भी आयत लाइन में टोटल स्पेसेस एन माइनस आई है देख लो N की वैल्यू क्या है फाइव सो वन से फाइव माइनस वन फोर टू से फाइव माइनस टू थ्री थ्री से फाइव माइनस थ्री टू फाइव माइनस फोर वन फाइव माइनस फाइव जीरो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि भैया हम कैसे ये लॉजिक सोच पाएंगे तो देखो इट्स लाइक सिंपल मैथ जब आप थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे थोड़े पैटर्न और देखोगे तो आपको ऑलरेडी ये ऑब्जर्वेशन आने लगेंगे आपके प्रैक्टिस से ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स स्ट्रांग होती जाएंगे सो हैव सम पेशेंस बट अभी के लिए हमने क्या फिगर आउट कर लिया है कि जब भी हम लोग कोई भी लाइन के लिए काम कर रहे हैं कोई भी लाइन के लिए हम लोग पहली जो अपना लाइन वाला लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसमें टेक्निकली कैरेक्टर प्रिंट करने से पहले थोड़े स्पेसेस प्रिंट कर लेने चाहिए और स्पेसेस प्रिंट करने के लिए मैंने देख लिया कि अगर मैं किसी भी आयत लाइन पे हूं तो वहां पे एन माइनस आई स्पेसेस लगेंगे तो टेक्निकली अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे हूं तो वहां पे स्पेसेस कितने लगेंगे एन माइनस दैट पर्टिकुलर लाइन राइट और अगर ये बात हमें पता है तो हम लोग एक स्पेस के लिए सेपरेट लूप लिख सकते हैं सो so, मैं इस सब को थोड़ा शिफ्ट कर सकता हूं अब ये वाला पार्ट क्या करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंट करता है इस पार्ट से पहले मैं एक और पार्ट लिख सकता हूं जो नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करते हैं सो so, स्पेसेस कितने हो जाएंगे एन माइनस द पर्टिकुलर लाइन और स्पेसेस प्रिंट करना बहुत आसान है मैं क्या कहूँगा टोटल स्पेसेस हैं सो फॉर जे इक्वल्स टू या इसके लिए दूसरा वेरिएबल ले, ले लेते हैं लेट्स से के इज इक्वल्स टू ज़ीरो के लेस देन स्पेसेस प्लस प्लस एंड यू जस्ट सी आउट आप एक ब्लैंक आपका, ये आपका के लिए हो जाएगा. तो जब भी हम लोग दो टास्क हैं. पहले स्पेसिस प्रिंट कर दो जब स्पेसिस प्रिंट हो जाए तो आप कैरेक्टर प्रिंट कर दो तो चलो इस पार्ट को हम लोग कोड करने की कोशिश करते हैं अब यहां पर लिख देते हैं बिलो लू ज टू प्रिंट कैरेक्टर्स फॉर इच लाइन राइट और यहां पर लिखते हैं बिलो लूप इज टू प्रिंट स्पेसिस सो टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस कितने होंगे नंबर ऑफ स्पेसिस इज इक्वल्स टू एन माइनस द पर्टिकुलर लाइन और फिर फॉर लूप लिख सकते हैं फॉर इंट के इज इक्वल्स टू जीरो लेस देन नंबर ऑफ स्पेसेस ए प्लस प्लस और कुछ नहीं करना हमें बस स्पेस एक स्पेस करेक्टर प्रिंट कर देंगे दैट सेट हम लोग एक स्पेस करेक्टर प्रिंट कर देंगे और हमारी बात बन जाएगी सो लेट्स ट्राई टू रन आवर कोर्ट लेट्स ट्राई टू रन आवर कोर्ट राइट सो रन करते हैं और यहाँ पे देखोगे आप तो हमें अपर ट्राइंगल हमारे डायमंड का अपर ट्राइंगल मिलने लग गया है राइट right. कैसे देखो शुरू में देख रहे हैं आपको चार स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं और उसके बाद ए प्रिंट हो रहा है और अगर हम लोग फटाफट -फड़ इसको डीबक करने की कोशिश करें यहाँ पे मैं एक डीबक पॉइंटर लगा देता हूँ राइट सो डीबक करने के लिए रन करते हैं लाइन की वैल्यू क्या है वन तो नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हो गए देखो फोर हो गए नंबर ऑफ स्पेसेस नाइन माइनस लाइन करके और के इज इक्वल्स टू ज़ीरो चार बार चलेगा के तो देखते हैं के की वैल्यू भी जीरो है हमने एक स्पेस प्रिंट किया के की वैल्यू अब वन हो जाएगी हमने दूसरा स्पेस प्रिंट किया के की वैल्यू टू हो जाएगी हमने तीसरा स्पेस प्रिंट किया के की वैल्यू तीन हो जाएगी हमने चौथा स्पेस प्रिंट किया और के की वैल्यू अब लूप से बाहर आ जाएगी राइट एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यहाँ पे नंबर ऑफ कैरेक्टर तो ए ही होने वाला है तो देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर वन हो गए राइट right? और बस हम लोग ए प्रिंट करेंगे सो सिमिलर लॉजिक से हमारे पास स्पेसेस भी प्रिंट होने लगेंगे और एक बारी मैं दोबारा रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास अपर ट्राइंगल हमा, हमारे को मिल गया है, अपर ट्राएंगल सक्सेसफुली हमने प्रिंट कर लिया है हमारे पास एक लॉजिक है जिससे हमने अपर ट्राएंगल सक्सेसफुली प्रिंट कर लिया है अब हमें कुछ लॉजिक ढूंढना है जिससे हम लोग लोअर ट्राइंगल प्रिंट करें अब भाई लोअर ट्राइंगल में भी सिमिलर चीजें हैं लोअर ट्राइंगल में भी क्या हो रहा होगा कि यार हम हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स हैं कुछ स्पेसेस हैं कुछ लाइन है हर लाइन में कुछ स्पेस प्रिंट करना है उसके बाद उसके कैरेक्टर प्रिंट करने हैं और ये टास्क हमें लाइन बाय लाइन करना है तो अब हमारे पास टास्क है कि यार बेस्ड ऑन द अपर ट्राएंगल किस तरीके से हम लोग लोअर ट्राइंगल के लिए लॉजिक ढूंढ सकते हैं लेट्स ट्राई टू फिगर दैट आउट तो यार फाइनली हमने अपना अपर ट्राइंगल प्रिंट कर लिया है राइट right? अब अपने पूरे डायमंड को कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे अपना लोअर ट्राइंगल प्रिंट करना होगा सो so, हमने अपर ट्रायंगल का पार्ट कंप्लीट कर लिया है ऑलरेडी और इस लोअर ट्रायंगल के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अब जिस तरीके से मैंने अपर ट्रायंगल प्रिंट किया कि मैंने पैटर्न देखा कि यार कौन सी नंबर लाइन पे कितने स्पेसेस प्रिंट होने हैं कितने कैरेक्टर्स प्रिंट होने हैं उसी लॉजिक के बेसिस पे हम लोग अपना काम करेंगे राइट right? तो अब देखा जाए सो लाइन नंबर सिक्स पे अगर मैं स्पेसिस की बात करूँ तो लाइन नंबर सिक्स पे एक स्पेस है लाइन नंबर सेवन पे दो स्पेसेस हैं लाइन नंबर एट पे तीन स्पेसेस हैं लाइन नंबर नाइन पे चार स्पेसेस हैं राइट सो इस लॉजिक से लोअर ट्रायंगल में किसी भी लाइन पे लाइन माइनस एन नंबर ऑफ स्पेसेस हैं देखो सिक्स लाइन पे सिक्स माइनस फाइव नंबर ऑफ स्पेसेस हैं सेवेंथ लाइन पे सेवन माइनस फाइव नंबर ऑफ स्पेसेस हैं एट्थ लाइन पे एट माइनस नंबर ऑफ स्पेसेस हैं सिमिलरली नाइन्थ लाइन पे नाइन माइनस नंबर ऑफ स्पेसेस हैं राइट सो इस लॉजिक से अगर मैं चलो तो लोअर ट्राइंगल में किसी भी पर्टिकुलर लाइन पे लाइन माइनस एन नंबर ऑफ स्पेसेस रहेंगे ये बात सबको सही लग रही होगी अब कैरेक्टर्स देखते हैं कि कैरेक्टर्स कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को कॉपी कर लू कॉपी लेट्स ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टर्स सो यहाँ पे मैं लाइन नंबर लिखूंगा यहाँ पे मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखूंगा राइट सो लेट्स से लाइन नंबर सिक्स पे हमारे पास थ्री सिक्स सेवन लाइन नंबर सिक्स पे सेवन कैरेक्टर्स है लाइन नंबर सेवन पे फाइव कैरेक्टर्स है राइट सो लाइन नंबर सिक्स पे सेवन कैरेक्टर्स लाइन नंबर सेवन पे फाइव कैरेक्टर्स लाइन नंबर एट पे थ्री कैरेक्टर्स लाइन नंबर नाइन पे वन कैरेक्टर ये सिचुएशन है हमारे पास सो so, अब हम इससे क्या फिगर आउट कर सकते हैं इससे अब हमें एक पैटर्न निकालने की कौन सी लाइन पे कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे इसका कुछ अगर मैं फॉर्मूला निकाल पाऊं तो हमारा काम बन जाएगा ठीक है सो so, चलो देखते हैं नाउ टेक्निकली स्पीकिंग अगर मैं एक जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश करूँ सो आवर वैल्यू ऑफ एन वर्स फाइव एन इक्वल्स टू फाइव के लिए हमें ये पैटर्न प्रिंट करना था सो लेट सी इफ आई डू टू इन फाइव Minus 9, we get 1, right? So 10 minus 9 is 1. Okay, if I do 2 into 5 minus 8, this is what 2. But technically, here, what do we want? We somehow want 3, right? If I subtract 8, we somehow want 3. So this doesn't look like if I do 2n minus line, this doesn't look good enough, right? what other things can we do like this is the process that uh, like you have to also follow now let's think about some other formula that we can make when we increase the number of lines then the number of characters technically decrease right so we somehow want to have a relation between the lines and the characters so that when the number of lines are like the line number is increasing the number of characters are decreasing okay so how about if i somehow do something like uh line minus n so what is line minus n so this is going to be 9 minus 5 8 minus or let's do 2n minus line 2n minus line so 2n minus line will give us 10 minus 9 1 10 minus 8 is 2 10 minus 7 is 3. 10 minus 6 is 4. Right. And if I double this value and do a minus 1. Okay. Let's see. So, what is 2n minus line? So, 2n minus line is going to be 10 minus 9 into 2 minus 1. So, this is 2 into 1 minus 1. That is 1. So, we got 1 here. Then, let's. Uh, do for 8 so 10 minus 8 into 2 minus 1 so 10 minus 8 is 2 2 into 2 minus 1 is what 3 then 10 minus 7 into 2 minus 1 so 10 minus 7 is 3 3 into 2 6 6 minus 1 is 5 and 10 minus 6 into 2 minus 1 so this is 4 into 2 8 minus 1 is 7 so can i say this can somehow become our formula Somehow, somewhat, we can have this formula, right? You can figure out some other formulas as well that can also be fine, right? Because uh, one more formula that I am able to think of is let's try. I'm just trying. Let's say we do something like 2 into line minus n minus 1. Let's try. This is formula 1. This is one approach. Formula 1. We can have another formula 2. I'm just trying for this formula. Let's see. 2 into line minus n so 2 into line number is 6 minus 5 minus 1 is going to be what 2 into 2 minus okay so instead of minus 1 let's do plus n let's do a plus n okay let's see so 2 into 6 minus 5 plus 5 this is 2 plus 5 7 looks correct then 2 into 7 minus 5 plus 5 this is 4 plus 5. Okay, no, this is not going to work. This doesn't look fine. Cool. So, maybe you can think of some other formulas as well. It doesn't matter. But this is one formula that I'm able to think of that if you are on a particular line, then if you apply this formula, then you are going to get the number of characters. So, you have to like somehow, like I just live in front of you, try to figure out the corresponding logic, right? So, this is something that you also have to do. You have to somehow try to figure out the logic yourself. Once you are done, so you can see that for ith line the number of spaces is line minus n and the number of characters is 2 into 2 n minus line minus 1 so if i try to code it let's see this particular for loop this particular for loop that i wrote was for the upper triangle now i need to write another for loop right we can remove this we can write a loop to print the lower triangle so now, if you see, line goes from 6 to 9. So the loop of line actually starts with n plus 1 and it goes till 2 into n minus 1. Right? So we can say for int line is equals to n plus 1, line less than 2 into n minus 1, line plus plus. Okay? Now we are going to write a uh, logic for spaces so we'll say int number of spaces is equals to this is going to be line minus n and we are going to print spaces so we'll say for um, int k equals to 0 k less than number of spaces k plus plus and we can just see out a space after that we are going to have int number of characters number of characters is going to be what 2 into 2 into n minus line minus 1 okay and then i put a loop for int j equals to 0 j less than number of characters j plus plus we are going to do c out right कैरेक्टर कन्वर्जन ऑफ वॉट सिंगल कोटेड ए प्लस जे एंड वेन एवर वी आर डन विद्यू लाइन वी आर वो मूव टू द नेक्स्ट लाइन राइट सो यू कैन सी द लॉजिक इज नॉट सिमिलर वी आर जस्ट प्रिंटिंग विद द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट्स एड राइट सो अगेन लाइक वी कैन सेग्रीगेट दीज टू लाइन्स ये दोनों लाइन्स हम लोग सेग्रीगेट कर सकते हैं uh, दो अलग अलग लाइन्स में वरना हमारे लिए दोनों के दोनों दोनो लाइन्स ये मैं कहूँ दोनों के दोनों फॉर लूप्स एब्सुलटली सेम टू रन रन करने की कोशिश करते हैं एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग बस लास्ट लाइन में हमारे पास एक ए नहीं आ रहा है पूरा का पूरा डायमंड पैटर्न हमने कोड कर दिया है सो so फॉर्मूला हमने फिगर आउट करा किसी तरह कि यार एक पर्टिकुलर लाइन पे कितने कैरेक्टर हैं एक पर्टिकुलर लाइन पे कितने कैरेक्टर हैं तो हमें फिगर आउट करके थोड़ा ब्रूट फोर्स लगाया हमने कि अच्छा ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं अच्छा इससे तो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा कम करने की कोशिश करनी है तो कुछ फैक्टर अपट्रैक्ट करना है तो कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करना है ऐसे हमें फॉर्मूला फ़िगर आउट होगा ये चीज़ प्रैक्टिस करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो अभी हम लोग और कुछ पैटर्न प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसमें हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की पैटर्न uh, प्रॉब्लम्स की जिससे आपको और फॉर्मूला को डेवलप करने में थोड़ी और हेल्प होगी बट आई होप कि पूरा लॉजिक जो हमने ये अपर ट्राएंगल और लोअर ट्राएंगल दो अलग अलग हिस्सों में बांटा ये सबको क्लियर है uh, एक काफी क्वेश्चन सब लोग ये पूछते हैं कि हमने टेक्निकली दो नेस्टेड लूप लिखे हैं एक लाइन नंबर एट में पूरा नेस्टेड लूप है एक लाइन नंबर ट्वेंटी सेवन तो दो क्यों लिखने पड़े क्योंकि पहले हम पूरा अपर ट्राइंगल प्रिंट करना चाहते हैं फर्स्ट वी वॉन्ट टू प्रिंट द होल अपर ट्राएंगल एंड देन वी वॉन्ट टू प्रिंट द लोअर ट्राइंगल उसके बाद लोअर ट्राइंगल प्रिंटिंग हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सो आई होप द ओवरऑल लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम इज क्लियर टू एवरी सोगाइज़ आई होप कि पहली प्रॉब्लम आपको काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी हमने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिसाइफर करने की कोशिश करिए राइट right? अब हम लोग हॉप ऑन करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पे नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन एक पैटर्न प्रिंटिंग प्रॉब्लम है सो so प्रॉब्लम कहती है कि वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्चुअली स्टार्ट प्रिंटिंग द प्लस पैटर्न गिवन बिलो सो वी कॉल दिस पैटर्न एज अ प्लस पैटर्न सो दिस इज द पैटर्न दिस इज द पैटर्न इन फ्रंट ऑफ अस राइट ओके सो लेट्स से

बट आई वुड रेकमेंड कि सब लोग थोड़ा फाइट करो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है और अगर आपने ऑलरेडी अब तक फाइट कर लिया एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लिया सो लेट स्टार्ट द डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन कैसे हम लोग एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं सो so इस क्वेश्चन में जहाँ पे हमें ये प्लस पैटर्न काइंड ऑफ प्रिंट करना है राइट फॉर एनजिकल्स हमें ये प्रिंट करना है इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी कि जो भी इनपुट आएगा दिस इनपुट विल बी ऑलवेज ऑर्ड Right. इनपुट आएगा और तभी जाकर हमें एग्जाम्पल आपको एन इजिकल्स एन टू थ्री आइट सिमिलरली एन इजिकल्स टू नाइन आ सकता है लेकिन कभी ऐसे एन इजिकल्स टू टू नहीं आएगा, आएगा आपके पास या एन इजिकल्स टू सिक्स नहीं आएगा आपके पास राइट मान लो अगर आपको एन इजिकल्स टू सेवन गिवन है तो पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा Let's say you have been given N एन इज सेवन के पैटर्न होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और बीच में हमारे पास एक लाइन होगी जहां पे हमें सेवन स्टार्स होंगे तो तुम देख सकते हो यहां पे अगेन सेवन रोज है राइट right. और जो मिडल मोस्ट रो है उसमें तुम्हारे तो पास टोटल सेवन स्टार्स है थ्री ऑन द लेफ्ट साइड थ्री ऑन द राइट साइड एक ऑन द मिडल राइट सो so, हमेशा एक ऑड नंबर का इनपुट आने वाला है हमारे पास कभी इवन नंबर इनपुट नहीं आएगा इस चीज का हमें ध्यान रखना है और इसी के बेसिस पे हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन फिगर आउट करने की कोशिश करने वाले हैं सो द गिवन वैल्यू ऑफ एन इज इज इक्वल्स टू फाइव एंड द पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस दिस इज द बाउंड्री हैव समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ है हमारे पास ठीक है लाइन नंबर थ्री में ये रहेगा और लाइन नंबर टू और लाइन नंबर वन में एक एक स्टार्स रहेंगे लाइन नंबर फोर और फाइव में भी एक एक स्टार्स रहेंगे राइट right? ऐसा कुछ पैटर्न है अगर मैं स्पेसेस की बात करूं तो यहाँ पे भी दो स्पेसेस यहाँ पे भी दो स्पेसेस यहाँ भी दो स्पेसेस यहाँ पे दो स्पेसेस सो so, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये पूरा पार्ट लाइन नंबर वन और टू का पार्ट और लाइन नंबर फोर और फाइव का पार्ट ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है लाइन नंबर थ्री एक थोड़ा सा डिफरेंस है राइट right? ओके okay. सो so, अगर मैं एक जनरल सोल्यूशन बनाने की कोशिश करूँ तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यार टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे भी तुम दो स्पेसेस मान लो यहाँ पे भी तुम दो स्पेसेस मान लो और अब टेक्निकली ये एक स्क्वायर टाइप का फिगर बन गया है जहाँ पे हमारे पास पांच रोज हैं और पांच ही कॉलम्स हैं राइट ओके अब ध्यान से देखा जाए ध्यान से देखा जाए तो इस प्लस वाली सिचुएशन के अलावा हर जगह हमारे पास सिर्फ स्पेसेस है हर जगह हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्पेसेस हैं सो मैं क्या कर सकता हूँ मैं हर रो पे जा सकता हूँ या हर लाइन पे जा सकता हूँ सो आई कैन राइट अ लूप टू गो टू एवरी लाइन एंड डू टास्क फॉर एवरी लाइन हर लाइन के लिए कुछ टास्क कर सकते हैं अगर लाइन एन बाई टू प्लस वन के अलावा कुछ है सो हेयर फाइव बाई टू विल बी वॉट टू प्लस वन विल बी थ्री सो अगर लाइन एन बाई टू के अलावा कुछ है और है? जैसे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ तो हमारा एक अलग लॉजिक होगा और एन बाई टू प्लस वन के लिए एक अलग लॉजिक होगा सो so, अगर लाइन नंबर एन बाई टू प्लस वन है तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि मिडल वाले स्टार के अलावा भी फर्स्ट टू पोजिशन्स पे भी स्टार चाहिए सेकेंड टू पोजिशन्स पे भी स्टार चाहिए अदरवाइज हमें बाकी की लाइन्स में हमेशा मिडल वाले कॉलम पे ही स्टार चाहिए दैट इज़ यू कैन से अगर तुम कॉलम नंबर भी ऐसे करो या फिर इस बारी हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कैलकुलेशन और इजी बनाने के लिए लाइन को जीरो से भी काउंट कर सकते हैं सो जीरो वन टू थ्री फोर अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइन नंबर एन बाई टू पर आप वो लॉजिक लगा सकते हो जो पिछली बार एन बाई टू प्लस वन पे लगा रहे थे अगर वन बेस्ड इंडेक्सिंग है सिमिलरली यहां पे तुम कॉलम्स को भी इंडेक्स कर सकते हो और अगर कॉलम एन बाई टू है तब तो कोई भी रो हो हमेशा स्टार प्रिंट होना है अगर कॉलम एन बाई टू नहीं है दैट इज़ फाइव बाई टू विद कॉलम नहीं है तो बाकी के कॉलम्स पे स्टार होगा अगर रो नंबर एन बाई टू है वरना हमेशा स्पेस होगा सो लेट मी गिव योर कंडीशन मैं क्या करूँगा मैं हर लाइन पे जाऊँगा फॉर लाइन इज इक्वल्स टू जीरो लाइन लेस देन एन लाइन प्लस प्लस हर लाइन पे जाएंगे राइट right. सबसे पहले मुझे हर लाइन में दो स्पेसेस प्रिंट करने हैं फिर स्टार प्रिंट करना है और फिर स्पेसेस प्रिंट करने हैं तो मैं क्या कहूंगा फॉर आई इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन टू आई प्लस प्लस

करंट लाइन इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू एन बाई टू और करंट लाइन भी एन बाई टू नहीं है तो देखो क्या कंडीशन लगाई मैंने मैं एक एक करके हर लाइन पे जा रहा हूँ जिस भी लाइन पे मैं पहुंचा लेट से मैं किसी लाइन नंबर वन पे हूँ इस लाइन पे हूँ मैं उसके बाद मैं ये लुक लिख रहा हूँ स्पेसेस के लिए तो स्पेसेस के लिए मैं कहता हूँ कि मुझे पहले दो स्पेस चाहिए राइट हमेशा देखो पहले दो स्पेसेस चाहिए दो स्पेसेस चाहिए दो स्पेसेस चाहिए, दो स्पेसे चाहिए, दो स्पेसे चाहिए. सिर्फ अगर हमारी लाइन नंबर एन बाई टू है तो हमें दो स्टार चाहिए इंस्टेड ऑफ दो स्पेसेस बट करेक्टर टेक्निकली हमेशा दो है तो मैं एक दो लेंथ का लूप लगा लूंगा मैं एक दो लेंथ का लूप लगा लूंगा राइट या फिर टेक्निकली हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि दो ही प्रिंट दो ही प्रिंटिंग करनी है और अगर हमें एन एक टू फाइव ही हमेशा दिया होता तो हम हार्ड कोड कर सकते थे बट यहाँ पे एन की वैल्यू चेंज हो सकती है राइट सो हार्ड कोड करना सही नहीं रहेगा राइट सो so, हमेशा हम लोग क्या कह सकते हैं अब जब एन की वैल्यू फाइव है तो यहाँ पे दो स्पेसेस हैं राइट सो टेक्निकली दिस वैल्यू इज ऑल्सो नॉट जस्ट टू दिस इज़ जस्ट लाइक एन बाई टू राइट सो हमारे पास एन बाई टू नंबर ऑफ़ स्पेसेस हैं एन बाई टू नंबर ऑफ स्पेसेस हैं एन बाई टू नंबर ऑफ स्पेसेस हैं यहाँ पे एन बाई टू नंबर ऑफ स्टार्स हैं अब स्पेसेस कब प्रिंट हो रहे हैं जब कॉलम एन बाय ना हो और रो भी n बाई ना हो राइट right? सो so, क्या मेरा कॉलम n बाय नहीं है एंड रो भी अगर n बाई नहीं है सो so, मैं क्या सी आउट कर दूंगा मैं स्पेस सी आउट कर दूँगा एल्स मैं स्टार सी आउट कर दूंगा कैन आई से कैन आई से दैट ये सिंपल केस रहेगा अगर मुझे स्पेसेस प्रिंट करने हैं राइट सो मैं एक बारी लूप लिख के दिखाता हूँ तुम्हें सो लेट्स हैव प्लेट राइट सो लेट्स से हमारे पास गिवन है राइट अब सबसे पहले तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे फॉर लूप टू डू सम टास्क फॉर ईच लाइन हर लाइन पे जाके कुछ करने के लिए हम लोग एक फॉर लूप लिखेंगे लाइन नंबर को मैं स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ लाइन नंबर को मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ लाइन नंबर जीरो से सो विल से कि फॉर इंट लाइन इज इक्वल्स टू जीरो लाइन लेस देन एन

अगर हमारे पास सिर्फ पहले दो स्पेसेस की हम बात करें अगर हम सिर्फ पहले दो स्पेसेस की बात करें तो अगर एन बाय टूए रो नहीं है तो बाकी सारी रोज में एन बाय टू नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट करने हैं ठीक लग रहा है तो देखो मैं क्या कहूँगा कि इफ द करेंट लाइन इज नॉट इक्वल टू एन बाय टू राइट then what do you do you print out a space otherwise you print out a star that's it that's what i am asking for ki agar our line number n by 2 nahi hai to spaces print kar do warna star print kar do theek hai acha ab technically main kya kar sakta hu ki ek aur loop likh sakta hu usme har row में जाके बस एक एक star print कर सकता हूँ right. और फिर दोबारा एक loop लिख सकता हूँ जिसमें बची हुई एन बाय टू स्पेसेस के लिए कुछ काम किया जा सकता है बट अगर मैं ध्यान से देखूं और थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करूं सो हर लाइन में टेक्निकली मैं एन कैरेक्टर्स प्रिंट करता हूं राइट हर लाइन में एन कैरेक्टर्स अब हर लाइन में जब एन कैरेक्टर्स हैं राइट और लाइन नंबर लाइन नंबर एन बाय टू नहीं है तो मोस्टली जो कैरेक्टर्स हैं वो स्पेसेस हैं सिर्फ एन बाय टूए कॉलम के कैरेक्टर्स हर रो में स्टार है तो एक अप्रोच तो ये हो सकती है कि देखो पहले अभी मैंने लूप लिख लिया पहले एन बाय टू स्पेसेज या स्टार्स का फिर मैं एक एक स्टार प्रिंट कर दूं और फिर लूप लिखूं बच्चे एन बाई टू स्पेसिस या स्टार्स का एक लॉजिक तो ये हो सकता है जो कि हमारे पिछले प्रॉब्लम से काफ़ी मिलता हुआ है बट उससे भी एक बेटर लॉजिक है कि यार मैं हर लाइन पे जाऊँ लेट्स से आई गो फ्रॉम लाइन इज इक्वल्स टू जीरो लाइन लेस देन एन लाइन प्लस प्लस और फिर हर लाइन पे मुझे एन कैरेक्टर्स प्रिंट करने हैं सो फॉर आई टू जीरो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस हर लाइन पे मुझे एन कैरेक्टर्स प्रिंट करने राइट ओके सो मान लो इफ आई इज इक्वल्स टू एन बाई टू दैट इज हम जो भी कॉलम प्रिंट कर रहे हैं वो एन बाई टू एथ कॉलम तो मैटर कि रो क्या है हमेशा मैं स्टार प्रिंट करूंगा सो आई सी स्टार राइट अदरवाइज अदरवाइज एल्स एफ अदरवाइज कॉलम एन बाय टू नहीं है कॉलम एन बाय टू नहीं है कॉलम इसके अलावा कुछ और है ठीक है लेकिन रो नंबर एन बाय टू है ना सो लाइन नंबर हमारी एन बाय टू है तब भी हम लोग एक स्टार प्रिंट करेंगे चाहे किसी भी कॉलम पे हो डजेंट मैटर अगर रो नंबर लाइन बाई रो नंबर n बाई टू है या लाइन नंबर n बाई टू है तो किसी भी कॉलम पे हो, आप, आपको हमेशा स्टार ही प्रिंट करना है राइट right. एल्स बाकी सारे केसेस में आपको हमेशा स्पेस प्रिंट करना है कैन आई से दैट देखो लेट्स सी तो ड्राई रन करने की थोड़ी कोशिश करते हैं यहाँ पे थोड़े पैरेंथेसिस लगा करली ब्रेसेस uh, लगा लेते हैं ठीक है चलो अब देखो इनिशियली लाइन इज इक्वल्स टू जीरो हम जीरो लाइन पे हैं आई स्टार्ट्स विद जीरो आई स्टार्ट्स विद जीरो राइट हम चेक करेंगे कि क्या आई एन बाई टू है क्या कॉलम नंबर एन बाई टू है नहीं क्या रो नंबर एन बाई टू है क्या यहाँ पे रो नंबर एन बाई टू है नहीं तो हम स्पेस प्रिंट कर देंगे तो देखो हमें पहले स्पेस प्रिंट करना था हमने स्पेस प्रिंट कर दिया नाओ आई गोज टू प्लस वन नाव क्या कॉलम नंबर वन एन बाई टू के बराबर है नहीं क्या रो नंबर एन बाई टू के बराबर है नहीं सो so, हम दोबारा एक स्पेस प्रिंट कर देंगे देखो यहाँ पे हमने एक स्पेस प्रिंट कर दिया एंड आई वेंट टू टू अब ध्यान से देखने की बात है क्या आई की वैल्यू एन बाय टू है क्या आई फाइव बाई टू के बराबर है जी हाँ दैट मीन्स हमें सिर्फ स्टार प्रिंट करना है और देखो हमने स्टार प्रिंट कर दिया वेन आई की वैल्यू टू है और रो नंबर लाइन नंबर ज़ीरो है और फिर आई दोबारा आगे बढ़ जाएगा राइट right. आई uh, की वैल्यू थ्री हो गई है क्या थ्री एन बाई टू के बराबर है फाइव बाई टू के बराबर है नोट no. क्या लाइन नंबर एन बाई टू के बराबर है नो सो वी विल जस्ट प्रिंट अ स्पेस सो विल गेट अ स्पेस देन अगेन वी विल गेट अ स्पेस नाउ सिमिलरली बाय डूइंग जस्ट लाइक थिंग्स लाइक दिस इफ लाइन नंबर वाज आल्सो टू सो इन एनी केस व्हेन दिस चेक इज नॉट एग्जीक्यूटेड ये वाला चेक अगर जब भी एग्जीक्यूट नहीं होता तो हम लोग ये वाला चेक एग्जीक्यूट कर देते क्योंकि लेट्स से आई की वैल्यू थ्री है क्या थ्री एन बाई के बराबर है नहीं है सो so, हम लोग क्या करेंगे एलसीफ में आएंगे क्या लाइन नंबर एन बाई टू के बराबर है क्या लाइन नंबर टू के बराबर है जी हाँ तो आप फिर भी स्टार ही प्रिंट करोगे देखो सो so, ये लॉजिक लिखने की कोशिश करते हैं तो देखो क्या कह रहा हूं मैं वी विल गो टू इच रो एंड देस देन एन आई प्लस प्लस अगर हमारी करेंट कॉलम एन बाई टू के बराबर है सो वी आर गोइंग टू सी आउट स्टार अदरवाइज अगर हमारी लाइन नंबर एन बाई टू के बराबर है सो ऑल्सो वी विल सी आउट अ स्टार अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी आउट अ स्पेस ठीक है एट लास्ट रिटर्न जीरो सो देखो हमने क्या करा अगर कॉलम कुछ भी है कॉलम कुछ भी है तो हम लोग एन बाय टू के अलावा अगर कोई और कॉलम है तो स्पेस करते हैं बट अगर कॉलम नंबर एन बाय टू है तो स्टार कर दो ठीक है अच्छा अगर कॉलम नंबर एन बाय टू नहीं है कॉलम कुछ और है लेकिन लाइन नंबर एन बाय टू है तो भी स्टार कर दो क्योंकि उसमें तब कॉलम पर डिपेंडेंसी हट जाएगी बाकी हमेशा तुम्हें स्पेस प्रिंट करना है इफ आई ओके देर इज एरर लेट्स सी ओके लाइन एन बाय टू ओके लुक्स अब देखो देखने में तो ये सारी की सारी सेम ही लाइन में आने लग गई तो हमने दोबारा वही गलती करी है कि जब हम लोग लाइन चेंज करते हैं तो हमें न्यू लाइन भी प्रिंट करना है तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो आई का लूप है ये लाइन का लूप है जब ये लूप फाइनल अपने फाइनल लाइन पे पहुंचेगा फाइनल आइट्रेशन पे पहुंचेगा या मैं कहूँ मतलब करंट आइट्रेशन की फाइनल लाइन पे पहुंचेगा तो इसको न्यू लाइन पे पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है तो अब अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें ना सी वी हैव अ प्लस पैटर्न और बहुत ही आसान था हमने क्या करा हमने बस ये देखा कि यार अगर लाइन नंबर एन बाई टू है तो हमेशा स्टार प्रिंट करना है अगर कॉलम नंबर एन बाई टू है तो भी हमेशा स्टार प्रिंट करना है वरना बाकी सारे केसेस में हमेशा हमें स्पेस प्रिंट करना है दिस इज द लॉजिक दैट वी एक्चुअली गॉट राइट तो एक बारी ड्राई रन करके देख लेते हैं राइट right. एक बारी डिबक करके देख लेते हैं ओके सो आई की वैल्यू जीरो है क्या जीरो एन बाई टू के बराबर है नहीं है क्या लाइन नंबर एन बाई टू के बराबर है नहीं है तो हम लोग स्पेस प्रिंट कर देंगे ठीक है तुमने स्पेस प्रिंट कर दिया ओके okay. नाउ आई बिकेम वन क्या वन एन बाई टू के बराबर है नहीं है करेंट लाइन एन बाई टू के बराबर है नहीं है सो so, हमने दोबारा स्पेस प्रिंट कर दिया नाउ आई बिकम्स टू द मोमेंट आई बिकम्स टू क्या टू एन बाई टू के बराबर है जी हाँ बराबर है तो हम लोग स्टार प्रिंट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे बाकी के दोनों कॉलम्स के लिए दोबारा स्पेस एंड देन वी आर गोइंग टू शिफ्ट द लाइन अब हमने एक लाइन पूरी कर लिया अब हम लोग लाइन नंबर वन पर जा रहे हैं जब हम लाइन नंबर वन पर गए तो सेम लॉजिक सेम लॉजिक पाँचों में इंटरेस्टिंग चीज़ कब होगी जब हम लोग लाइन नंबर टू पे चले जाएंगे अब लाइन नंबर टू की वैल्यू क्या है एन बाई टू के बराबर है सो so, आई की वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमेशा हम स्टार प्रिंट कर रहे हैं देखो एक बार स्टार कर दिया दोबारा स्टार कर दिया यहाँ पे तो आई की वैल्यू मिडल ही है तो ये तो स्टार होना ही है फिर दोबारा आई को स्किप करा लाइन की वैल्यू एन बाई टू के बराबर है जी हाँ बराबर है एंड दैट्स इट सो इट्स नॉट गेटिंग कंप्लीटली प्रिंटेड हियर बट यू विल सी एन आउटपुट लाइक दिस राइट गेट एन आउटपुट लाइक दिस तो आई होप की ये लॉजिक की हम लोग ये प्लस पैटर्न कैसे प्रिंट कर सकते हैं ये क्लियर है सबको ज्यादा कुछ नहीं लगाया मैंने दिमाग मैंने बस ये कहा कि हमारे पास हर वक्त हमारी सारी लाइन्स का या मैं कहूँ एटलीस्ट करंट लाइन का तो एक्सेस है ही और करेंट कॉलम का भी एक्सेस है तो अगर करंट लाइन एन बाई टू के बराबर है तो हमें कुछ नहीं सोचना हमें बस स्टार प्रिंट करने है उस टाइम आई की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा स्टार प्रिंट करने साथ ही साथ अगर कॉलम की वैल्यू भी टू है दैट इज़ एन बाई टू है तो कोई फर्क नहीं पड़ता बाकी के कॉलम्स क्या हैं बट जब कॉलम की वैल्यू एन बाय टू होगी तब तो हमेशा स्टार ही प्रिंट करना है बाकियों को हमेशा स्पेस राइट दिस वॉज द सिंपल लॉजिक एंड आई होप कि इस लॉजिक से आप इस प्रॉब्लम को कोड कर पाएंगे आई वुड हाईली रिकमेंड एवरी वन की एक बार इस सब लोग इसका हैंड्स ऑन कोडिंग इंप्लीमेंटेशन जरूर जरूर ट्राई करें एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम सो so जब अब, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पैटर्न प्रॉब्लम पे चलते हैं अगली प्रॉब्लम काफ़ी आसान है जैसे हमने पुरानी दो प्रॉब्लम्स देखी वो थोड़ी ट्रिकी थी ये प्रॉब्लम तो एब्सुलूटली स्ट्रेट फॉरवर्ड है मैं जानता हूँ कि हर वो बच्चा जिसने हमारी पूरी अब तक पी डब्ल्यू स्किल्स की सारी वीडियोज़ देखी है सी प्लस प्लस सीरीज की ये क्वेश्चन तो मतलब केक वॉक लगने वाला है बहुत आसानी से सॉल्व होने वाला है सो so, क्या क्वेश्चन है सो द क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू प्रिंट अ रेक्टेंगल आउट ऑफ स्टार्स आपको रेक्टेंगल प्रिंट करना है इन स्टार्स का यूज़ करके राइट सो फॉर एग्ज़ाम्पल देखो अब आ, थोड़ा सा इनपुट आउटपुट का सिचुएशन भी आपको गिवन है कि आपको एक ऐसे प्रॉम्प्ट दिखाना है कि प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ़ स्टार रोज राइट कितनी एक्चुअली स्टार्स को आपको प्रिंट करना है उसके बाद आपको एक इनपुट देना है कि कितनी रोज़ होने वाली है फिर उसके बाद आप एक प्रॉम्प्ट दिखाओगे प्लीज़ एंटर द नंबर ऑफ स्टार कॉलम्स कि भाई कितने कॉलम्स हैं तो फिर कॉलम का इनपुट आएगा और देखो अब हमारे पास रो का इनपुट आया था टू कॉलम का इनपुट आया, का input आया थ्री दैट मीन्स एक टू क्रॉस थ्री का हमें रेक्टेंगल बनाना है दैट मीन्स टू रोज थ्री कॉलम्स एंड दिस इज दैट रेक्टेंगल तो हम लोग खाली स्टार्स का यूज करके ये कर पाएंगे सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर हमारे पास ये लाइन नंबर वन है लाइन नंबर टू है राइट सो टू क्रॉस थ्री के लिए हमारे पास ये आंसर होगा सो so, जब भी आपने स्टार रोज का इनपुट लिया स्टार रोज का इनपुट लिया तो आपको क्या करना है उतनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ रोज या उतनी पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइन प्रिंट करनी है सो so, हर लाइन पे कुछ रिपीटेड टास्क है क्योंकि तुम देख सकते हो हर बार हम लोग स्टार ही प्रिंट कर रहे हैं तो टेक्निकली कुछ तो रिपीटेड टास्क है रिपीटेड टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग लूप्स लिख सकते हैं सो आई कैन राइट फॉर लाइन इज इक्वल्स टू वन लाइन लेस देन और इक्वल टू स्टार रोज लाइन प्लस प्लस राइट लाइन प्लस प्लस ओके एक बारी मैंने एक फॉर लूप बनाया इस फॉर लूप के अंदर जो भी लॉजिक होगा वो बार बार एग्जीक्यूट होगा कितनी बार जितने नंबर ऑफ रोज है अब रोज तो दो हैं बट कॉलम्स का भी कंसेप्ट है हमारे पास कि स्टार कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास और हर कॉलम में हमें करना क्या है टेक्निकली हर कॉलम में बस एक स्टार लगा देना है सो so, मैं क्या कह सकता हूँ विल से फॉर जे इक्वल्स टू जीरो जे लेस देन स्टार कॉलम्स जे प्लस प्लस और उसके बाद हम लोग सिंपली क्या कर देंगे सी आउट एस्ट्रिक राइट इससे क्या होगा देखते हैं अब इस लूप के अंदर जो भी लॉजिक लिखा है वो बार बार एग्जीक्यूट होगा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए सो so, लॉजिक क्या है प्रिंट स्टार तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने स्टार कॉल्स दैट इज थ्री राइट तो तीन बार मैं स्टार प्रिंट कर दूंगा इस लूप से एक बार मैंने तीन स्टार्स प्रिंट कर दिए तो फिर मैं एक न्यू लाइन प्रिंट कर दूंगा राइट right. न्यू लाइन प्रिंट करने के बाद मैं लाइन नंबर टू पे चला जाऊंगा अब लाइन नंबर टू के लिए मैं दोबारा से यह पूरा लॉजिक एग्जीक्यूट करूंगा जहां पे मैं नंबर ऑफ स्टार कॉलम्स जितने मैं स्टार प्रिंट कर रहा हूं और उसके बाद दोबारा एक न्यू लाइन लगा राइट सो लेट्स ट्राई टू राइट दिस कोड लेट्स ट्राई टू राइट दिस कोड एंड देन ट्राई टू डू रन सो हैश इनक्लूड्री ओके, चलो अब हमारे पास एक प्रॉम्प्ट आएगा विल से सी आउट प्लीज एंटर द नंबर ऑफ स्टार रोज लेट्स हैव टू वेरिएबल इंट स्टार रोज कॉमा स्टार कॉलम्स, सो विल टेक अ सीन इनसाइड स्टार रोज और इस पूरे कोड को हम लोग कॉपी कर लेंगे क्योंकि लॉग हमेशा हमारा सेम ही रहने वाला है स्टार कॉल्स राइट सो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का हमने इनपुट ले लिया है ये इनपुट लेने के बाद हमें पता है कि स्टार रोज जितनी लाइन्स हमें प्रिंट करनी है तो वन से लेकर वन से लेकर हमें कितनी लाइन प्रिंट करनी है स्टार रोज जितनी अब कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने लेस देन और इक्वल टू किया है Uh, क्यों किया है क्योंकि हम लोग जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं कर रहे हैं हम लोग लाइन नंबर टू ऐसे मान रहे हैं तो वन बेस्ड इंडेक्सिंग में लेस देन इक्वल टू स्टार रोज जाना चाहिए अब हर रो के लिए हर रो के लिए आपको कुछ स्टार्स प्रिंट करने स्टार कॉलम जितने स्टार हर रो में प्रिंट करने हैं सो विल से फॉर जे इक्वल्स टू जीरो प्लस राइट एंड इन एवरी लूप ऑफ दिस कॉलम जिसमें हम लोग स्टार कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स में जा रहे हैं तो पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम पे जाते हैं फिर सेकंड कॉलम पे जाते हैं फिर थर्ड कॉलम पे जाते हैं हर कॉलम में जाके हमें बस एक स्टार प्रिंट कर देना है एक बारी मैंने सारे के सारे कॉलम्स प्रिंट कर लिए एक पर्टिकुलर होकर सारे कॉलम्स प्रिंट कर लिए मैं एक नई लाइन में चला जाऊंगा नई लाइन में जाने के बाद आउटर फॉर फॉरलुप दोबारा एग्जीक्यूट होगा अगर आउटर फॉर फॉरलुप दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो लाइन वन से टू हो जाएगी तो अब हम सेकेंड लाइन में प्रिंटिंग स्टार्ट कर देंगे तो so ये बहुत आसान होने वाला है लेट्स ट्राई टू रन इट राइट नंबर ऑफ स्टार रोज की एक्सपेक्टेशन है सो आई एम गोइंग टू रिटर्न टू ओके वन सेकेंड सो वी नीड अ बिट ऑफ टर्मिनल हेयर बिकॉज वी आर इंटरेक्टिंग विद इट ओके सो to it. Right. Of so this uh if i try to run it uh

दोबारा रन करते हैं लेट से नंबर ऑफ रोज है हमारे पास पांच नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास छ तो देखो एक फाइव क्रॉस सिक्स का ऑल स्टार्स का रेक्टेंगल प्रिंट हो रहा है राइट right? तो बहुत ही आसान रहने वाला है ये ऑल यू हैव टू डू इज हमने प्रॉम्प्ट करके यूजर से इनपुट ले लिया फिर उसके बाद हमें पता है कि स्टार रोज जितनी लाइन है तो उतनी लाइन के लिए कुछ टास्क रिपीटेड करेंगे क्या टास्क रिपीटेड करेंगे ये जो टास्क मैंने लाइन नंबर थर्टीन से फिफ्टीन में ट्वेल्थ से फिफ्टीन में हाईलाइट किया ये टास्क हमारा रिपीटेड टास्क है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है इस रिपीटेड टास्क में हम लोग हर कॉलम पे जाते हैं और एक स्टार प्रिंट कर देते हैं जब सारे कॉलम्स पे स्टार प्रिंट कर देते हैं तो एक न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट कर देते हैं सो so दैट इस लॉजिक को पढ़ने के बाद आउटर लॉजिक में लाइन इंक्रीमेंट हो सके सो आई होप कि ये सवाल बहुत ही ज्यादा आसान था ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था इट जस्ट दैट कि अगर आपको बेसिक नेस्टेड लुक्स आता है सो दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अ केक सो आई होप कि सबको इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा आई वुड रेकमेंड सब लोग कि इसको एक बार कोड करने का ट्राई करो क्योंकि हो सकता है इनिशियल डेज में तुम्हें क्वेश्चन सिंपल लग रहा हो तुम्हें लग रहा हो कि हो जाएगा बट एक बार ही खुद से हैंड्स ऑन करने का बेनिफिट ये रहता है कि हमेशा के लिए ये ऐसी अप्रोचेस तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाती है सो so पिछला भी जो हमने प्रॉब्लम करा जिसमें हम लोग पिरामिड्स डिटेक्ट कर रहे थे या फिर प्लस वाला जो प्रॉब्लम करा वहां पे भी हमें ये सेम चीज़ करना है कि हमें जो भी कोड कराया जा रहा है उसे प्रैक्टिस जरूर करना है दैट बींग सेड हम लोग

और लॉजिक सोचने में हम लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करें सो so, इसके लिए आपके इनिशियल डेज में आप जितना ज्यादा कोड लिखोगे उतने ज्यादा आई वुड से कॉन्स्ट्रक्ट आपके मसल मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे तो आपको बार बार ना फॉर लूप लिखने के लिए बहुत सोचना नहीं पड़ेगा आप एकदम से ऑलरेडी सही फॉर लूप लिख रहे हो अगर आपने बहुत बार सिमिलर प्रॉब्लम फॉर लूप का यूज करके ऑलरेडी सॉल्व करें सो आई होप द ओवरऑल सेशन वॉज रियली गुड अगर आपने अभी तक पी स्किल्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो आई वुड रेकमेंड टू जस्ट ड्रॉप क्विक लाइक ऑन द वीडियो और जरूर सब्सक्राइब कर लें आप चैनल को लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स रहे हैं आपके सो डू ड्रॉप योर डाउट्स इन द कॉमेंट सेक्शन आई वुड रियली अप्रिशिएट योर फीडबैक्स एंड डाउट्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलने वाले हैं जल्दी टिल देन टेक केयर गाइज बाय बाय एंड थैंक यू